हमारे देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्यागने का एक ट्रेंड सेट हुआ और जिसके लिए क्रांतिकारियों की कभी ना खत्म होने वाली एक लंबी कतार खड़ी हुई। लेकिन जब भी कोई पराधीनता की बेड़ियां तोड़ने की बात करेगा, अन्याय के विरुद्ध मैदान में कूदेगा और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व त्यागने की बात करेगा, तो वीर विनायक दामोदर सावरकर जी एक प्रेरणापुंज के रूप में सदैव शिखर पर जगमगाते रहेंगे। वो एक अलौकिक प्रतिभा के धनी थे जिसके कारण वो सभी के लिए अतुल्य प्रेरक शक्ति बने। उन्होंने सदा माना कि बिना युद्ध के सफलता और स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती। वो ऐसी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे जिन्होंने कविता और क्रांति दोनों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और दोनों के जीवन में एक आदर्श स्थापित किया। 28 मई 1883 के दिन नासिक जिले के भागुर गांव में जन्मे सावरकर जी के सामने बचपन से ही चुनौतियों का जैसे एक विशाल भंडार सामने था। उन्होंने उसे बखूबी स्वीकार भी किया। अल्पायु में ही एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कुछ विद्यार्थियों का समूह इकट्ठा किया और एक मित्र मेला नाम के संगठन का गठन किया जिसका उद्देश्य केवल विदेशी आक्रांताओं से देश की आजादी था। जनवरी 1902 में उन्होंने पुणे के फर्गसन कॉलेज में दाखिला लिया और वहां अद्भुत राष्ट्रवादी कविताओं की रचनाएं की जिन्होंने जन जन के भीतर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरणा दी। धीरे धीरे समय के साथ उनकी गतिविधियां बढ़ी और मित्र मेला संगठन का ट्रांसफॉर्मेशन अभिनव भारत सोसाइटी के विराट रूप में हुआ जिसकी जड़ें संपूर्ण भारत में फैलने लगी। सावरकर जी का जीवन तेज, त्याग, तत्व, तर्क, प्रेरणा, नेतृत्व और दूरदर्शिता का भंडार है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के लिए भारत में अपनी जड़ें बनाए रखना बहुत मुश्किल हो चुका था। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि भारतवासियों की एकता उनका काल है, इसलिए रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हुए उन्होंने बंगाल प्रांत को उड़ीसा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बांट दिया। पूरे देश में इसके प्रति आक्रोश पैदा हुआ और सावरकर जी ने पहली बार विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए उनकी होलिका जलाने का निश्चय किया। खुद बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका नेतृत्व किया। यहां यह बात बतानी बहुत जरूरी है कि 21 नवंबर 1921 में गांधी जी के द्वारा भी ऐसी ही एक मूवमेंट शुरू हुई जिसमें उन्होंने विदेशी सामान का बहिष्कार किया और स्वदेशी को प्रमोट किया। लेकिन उससे कई वर्ष पहले सावरकर जी थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। 1906 में सावरकर जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए जहां इनकी भेंट मैडम कामा, सरदार सिंह राणा और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे प्रखर राष्ट्रवादियों से हुए और इनका ठिकाना बना लंदन का इंडिया हाउस जो विदेशी धरती पर भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट की आंखों में हमेशा एक तीर की तरह चुभता रहता था। 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 की क्रांति के दमन को एक गोल्डन जुबली समारोह के रूप में मनाया जिसमें भारतीय सेनानियों, राजाओं को चोर और डाकू के रूप में दर्शाया गया। इस बात से सावरकर जी को गहरी ठेस पहुंची और इसका विरोध करते हुए 10 मई को अपने साथियों के साथ उन्होंने इंडिया हाउस में सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और इसे एक समारोह के रूप में मनाया और इसी के बाद उन्हें प्रेरणा मिली 1857 का स्वतंत्र या समर नाम की प्रेरणादायक पुस्तक लिखने की और उन्होंने ठानी कि वो वास्तविकता से दुनिया का परिचय अवश्य कराएंगे। किताब लिखने के लिए 1857 से जुड़े फैक्ट्स इकट्ठे करना बहुत जरूरी था जिसके लिए सावरकर जी घंटों अपना सारा समय ब्रिटिश लाइब्रेरी और म्यूजियम में बिताते थे। इसकी भनक ब्रिटिश जासूसों को लगी लेकिन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी वो एक दस्तावेज इस किताब से जुड़ा इकट्ठा नहीं कर पाए और हार कर अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस किताब पर बैन लगाना पड़ा। ये विश्व इतिहास में पहला ऐसा मौका था कि किसी किताब के छपने से पहले ही उस पर बैन लगा दिया गया हो। ब्रिटिश सरकार बहुत डर चुकी थी। बाद में ये किताब पहले हॉलैंड में और उसके बाद विश्व के अन्य स्थानों पर छपी। इस किताब ने ब्रिटिश सरकार जो भारत में शासन कर रही थी उसकी जड़ों तक को हिला दिया था। सावरकर जी फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे इसलिए वो ब्रिटिश सरकार की आंखों में पहले ही चुभ रहे थे। उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी कर्जन विले के मर्डर केस में और साथ में इंडिया तक पिस्टल पहुंचाने के केस में उनका नाम आया। इसी के साथ अंग्रेज सरकार को एक मौका मिला और उन्होंने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया।
उनके साथ साथ उनके साथियों को भी परेशान किया जाने लगा। उन दिनों सावरकर फ्रांस में थे। जैसी उन्हें बात पता चली तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने लंदन आकर अपनी गिरफ्तारी दी। ब्रिटिश सरकार के पूर्व दुराग्रह के कारण उन पे फॉल्स ट्रायल चलाए गए, उनकी अपील खारिज की गई और सभी मामलों में उन्हें दोषी बनाते हुए आगे भारत भेजने का फैसला हुआ। एक गलत अफवाह यह फैलाई गई कि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्हें अंग्रेज अधिकारियों ने बहादुरी से गिरफ्तार किया। यह बात सावरकर को चुभ गई और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाने की ठानी। वो समझौता ना करने वाले राष्ट्रवादी थे। उनके जीवन का क्षण क्षण और कण कण स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। इसलिए 8 जुलाई 1910 को जैसे ही जहाज फ्रांस के मर्सेलिस के किनारे से निकला, उन्होंने जहाज के पोर्ट होल से अथाह समुद्र में छलांग लगा दी। किनारा कहां था पता नहीं था, लेकिन उन्हें पराधीनता स्वीकार नहीं थी। उसके बाद सागर की कठोर लहरों को चीरते हुए तैरकर वो किनारे तक पहुंचे, लेकिन एक फ्रांसीसी सैनिक की गद्दारी के कारण उन्हें दोबारा ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और फिर उन्हें वहां से भारत लाया गया। जब सावरकर ने देखा कि भारत में भी न्याय के नाम पर उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने किसी भी ट्रायल का हिस्सा बनने से या अपना बचाव करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वो संसार के ऐसे पहले पॉलिटिकल प्रिजनर बने जिन्हें जीवन में 2 बार उम्र कैद की सजा मिली। उस समय 1 बार का आजीवन कारावास 25 साल का था, सो टोटल 50 साल की सजा मिली। इसके बाद उन्हें अंडमान के सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी बोला जाता था, भेज दिया गया। सेल्युलर जेल में सावरकर जी को भयंकर अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें 3rd मंजिल के वार्ड नंबर 7 में रखा गया। सामान्य कैदियों के लिए नॉर्मल सेल्स हुआ करते थे, सावरकर जी के लिए एक कोठरी के अंदर एक छोटी कोठरी बनाई गई, जिसे भी सलाखों से कैद कर दिया गया। उन्हें 3-3 दिन तक नहाने के लिए पानी नसीब नहीं होता था, और जब दिया जाता था 3 दिन बाद तो वो भी बहुत कम दिया जाता था, जिससे मात्र आप हाथ या पैर धो पाएं। सेल्युलर में कोलू से तेल निकालने की एक सजा थी, जिसमें हट्टे कट्टे बैलों की जगह एक कैदी को जोता जाता था, और एक कैदी को एक दिन में कम से कम 30 लीटर तेल निकालना पड़ता था, और ऐसा ना करने पर उसकी लात घूंसों से बुरी तरह से पिटाई की जाती थी। भीषण गर्मी में पानी की एक बूंद पिए बिना भारी भरकम कोलू के चारों तरफ बैल की तरह घूमना बड़े बड़े पहलवानों के लिए भी एक बहुत बड़ी असंभव बात थी। इसी कारण इस सजा को धरती पर नर्क कहा जा सकता है। सावरकर जी को इसी सजा में झोंक दिया गया। हाथों में घाव होने के बाद भी अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता से समझौता ना करते हुए सावरकर जी ने यह सजा स्वीकार की और ऐसी सभी यातनाओं को सहा केवल अपने राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति के कारण। सेल्युलर जेल की इन अमानवीय यातनाओं और घटनाओं का पता जब लोगों को चला तो देशव्यापी विद्रोह ने जन्म लिया, जिसके कारण अंग्रेज सरकार झुकी और उनकी सजा को कुछ बदलाव किया। 5 साल के लिए उन्हें रत्नागिरी में नजरबंद किया, साथ साथ उनके ऊपर कई प्रतिबंध भी लगा दिए। और 13 साल की इन भयंकर यातनाओं को सहने के बाद एक बार फिर सावरकर जी वापस अपनी धरती पर पहुंचे। एक प्रतिभावान राष्ट्रवादी कवि और क्रांतिकारी होने के साथ साथ सावरकर जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था कि हिंदू समाज केवल अपनी दुर्बलता के कारण ही आज अभिशप्त है। हम पराधीन हुए, सम्मान से जीने का हक खोया, इसका जिम्मेदार कोई विदेशी आक्रांता नहीं बल्कि दोष हमारा है। हमने अपने समाज को जातियों में बंटने दिया। किसी समय रही वर्ण व्यवस्था को गलत प्रेषित करके आज उसका गलत उपयोग किया गया। समाज बटा, एकता खंडित हुई और विदेशियों ने उसका लाभ उठाया। वो एक दूरदृष्टा थे। उन्होंने रत्नागिरी में रहकर छू अछूत की जैसी दुर्भावना का विरोध किया, अछूतों के हक की लड़ाई लड़ी, मंदिरों में उनका प्रवेश नहीं था उनके लिए मंदिर के द्वार खुलवाए, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का भरसक विरोध किया। उनका सपना एक विराट हिंदू राष्ट्र का था, अटल जी के शब्दों में, जिसमें हिंदी राज्य की बात की गई, जिसका मतलब हर मत पंथ जाति संप्रदाय का व्यक्ति समान होगा और उसके समान अधिकार रहेंगे। वो जाति प्रथा के घोर विरोधी थे और अंतर जातीय विवाह के कड़े समर्थक थे। जाहिर सी बात है, कई राजनीतिक कारणों के कारण उनके प्रति बहुत भ्रम फैलाया गया।
उनकी उपेक्षा की गई, उनका सही मूल्यांकन नहीं किया गया। सावरकर एक विशाल सिंधु समान है और हम केवल एक बिंदु। तो कुछ शब्दों में उस महान व्यक्तित्व की व्याख्या करना असंभव है, किंतु जिस प्रकार सिंधु का गुण बिंदु के अंदर विद्यमान रहता है, उसकी प्रकृति रहती है, उसी से प्रेरणा लेते हुए उनके जीवन से ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। सो फ्रेंड्स, सावरकर जी के ये महान विचारों को आइए हम व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाएं।